हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहा आलू की टिक्की। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, कुछ नया फ्लेवर आता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। जब भी आपका दिल करे, चाय के साथ या किसी टाइम भी आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 2 कटोरी, मैंने यहाँ पर पोहा ले लिया है। तो हम किसी छलनी के ऊपर रख लेंगे और छलनी के ऊपर ही हम इसे धोएंगे। तो हम इसे एक दो बार अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद हम छलनी से पानी निकालते हुए इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे पोहा डाल लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, पोहा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। 2 से 3 हरी मिर्च, 2 चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे कॉर्न स्टार्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक यहाँ पे आप स्वाद अनुसार ही डालें, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे गरम मसाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे आधा कटोरी हरे धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, बारीक कटी हुई। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से ज़्यादा अच्छी मिक्स होती है, तो आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए, आप हाथों में इस तरीके से दबाते हुए टिक्की बना दें और साइडों से इस तरीके से हम कर लेंगे ताकि टिक्की का अच्छा सा शेप आ जाए। तो देखिए, इसी तरीके से सारी टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। अब गैस पे हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे टिक्की डाल लेंगे और लो मीडियम फ्लेम में हमें टिक्की को पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है। इससे हमारी टिक्की बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। तो आप लो मीडियम फ्लेम में ही बनाएं ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो देखिए, एक साइड से ये अच्छी ब्राउन हो गई है। अब हम दूसरी साइड पर रख लेते हैं। तो आपको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतने ही तेल में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो देखिए, दोनों साइड से हमारी टिक्की जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। अब आप किसी टिश्यू पेपर में निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में ही रह जाए। तो देखिए, बनके तैयार हो गया है हमारी गरम गरम टिक्की। अब आप जल्दी जल्दी से चटनी की चटनी या सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और देखिए कितना कम समय लगा इसे बनाने में। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाए घर पे। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।